वहीं खबर कटिहार से, जहां कटिहार रेल पुलिस ने 16 किलो चांदी के आभूषण के साथ दो व्यक्ति को लिया हिरासत में। आपको बता दें कि कटिहार रेल पुलिस को बड़ी उपलब्धि मिली है, 16 किलो चांदी के आभूषण के साथ दो लोगों को हिरासत में लिया है। हावड़ा कटिहार एक्सप्रेस ट्रेन में बंगाल से लाया जा रहा था चांदी का जेवर। डिटेन किए गए दोनों व्यक्ति के पास से भारी मात्रा में संबंधित आभूषण का बिल नहीं होने पर इन दोनों को डिटेन किया गया है। जब चांदी के आभूषण का मूल्य बाजार में लगभग 7 से 8 लाख आंकी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि कटिहार रेल पुलिस के सूचना पर जीएसटी के अधिकारी भी पहुंचकर फाइल का आकलन करने में जुटे हुए हैं। बताते चले कि इन दिनों कटिहार रेल पुलिस तस्करी को लेकर अलर्ट मोड पर है और इस उपलब्धि को भी इसी से जोड़कर देखा जा सकता है। एमके न्यूज़ इंडिया के लिए कटिहार से सुमन मिश्रा की रिपोर्ट। हम लोग के यहाँ बराबर प्लेटफॉर्म पर चेकिंग होता है, अपराधी तत्वों का निगरानी चलता है, गांजा अवैध शराब का निगरानी चलता है। उसी क्रम में हमारे जो चेकिंग के पार्टी थे वो दो अज्ञात व्यक्ति को, मतलब ये दो व्यक्ति को पकड़े और उसके पास से अवैध, मतलब जरूरत से उनके पास इनवॉइस टैक्स का ये पेपर नहीं था तो उनके पास से सिल्वर चांदी की मात्रा पकड़ाया है, जिसका कि हम लोग करीब वजन हुआ है तो 16 किलो है। मामला ये है कि विभाग को ये जानकारी कटिहार रेल थाना प्रभारी द्वारा दिया गया है, यहाँ पर चांदी बरामद हुआ है प्लेटफार्म नंबर 1 पर। आज सवेरे कटिहार हावड़ा एक्सप्रेस में यहाँ हम लोग आए ये, और यहाँ जांच में ये पता चला है कि इनके पास लगभग 16 kg चांदी था, लेकिन इनके पास कोई भी टैक्स इनवॉइस या कोई भी पेपर डॉक्यूमेंट नहीं था इनके पास। ये बिना पेपर के ही अपना जो भी चांदी का आभूषण है वो उसको यहाँ कटिहार में डिलीवरी के लिए ले आ रहे थे, तो इस पर जो भी है विभागीय कार्रवाई के बाद इनको छोड़ दिया है। साई हॉस्पिटल हर महीने की 1 तारीख से 5 तारीख तक दिल्ली के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों के द्वारा सभी प्रकार के छोटे एवं बड़े ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा किए जाते हैं।